देख रहे हो सर, हम नहाने का टाइम में भीग जाते हैं, क्या करें बताइए। नहाओगे तो भीगोगे नहीं, तो फिर उनको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, टैप बंद करके नहाओ। जब भी नहाते हो नल जो टैप टूटी है उसे बंद करो और नहाओ, नहीं भीगोगे। फोन तो ऐसे ही आता है सर, क्या करें। पटना से? हाँ, पटना का था तो, स्टूडेंट है। हाँ वही कह रही है, मतलब उसको रास्ता कहीं से नहीं दे रही है। पूजा करने से नेगेटिव ज़्यादा बढ़ता है, मंदिर जाने से नेगेटिव बढ़ता है, उधर जाने से नेगेटिव बढ़ता है, घर में बैठने से गंदा सोच आता है, और हम जब पूजा करते हैं तो भाई बहन बातें सब अफेक्ट होते हैं, फिर क्या रास्ता है। अब सुन बच्चों कि दवाई खाने से हम मरते हैं तो फिर क्या रास्ता है। दवाई मत खाओ। सर लेके दीवार पे पीटो, सर को लेके दीवार पे ठोको, इसका क्या समाधान है। अब ये देख रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, साइकोलॉजिकली जब आदमी पागल बनते, जिसको पागल का भी रेंज है, कोई 5 डिग्री का पागल, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री का पागल, 100 हो गया, 100 पार हो गया, लिमिट क्रॉस हो गया, तो देखो ना बाहर में जरी का बस्ता, बोरा, कचड़ा, वहाँ प्लास्टिक, फटा हुआ जूता, फटा हुआ हेलमेट, और पेड़ उड़ कहीं कुछ गिरा होगा, सब बोरी में भर के ऐसा पकड़ के ऊपर में एक बाल्टी, वो पगली को देखना घूमती है। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें लगता है कि वो जो पगली है वही पगली है। मैं बोला कि तू अपना मोबाइल खोल और देख फेसबुक में क्या क्या भर के रखे हो, मेमोरी स्टोर में क्या क्या भर के रखे हो, यही सब, कोई थूक दिया, कोई पात दिया, कोई पोटी कर दिया, कोई कचड़ा कर दिया है। अब वो उसका सामने दिख रहा है कि फटा जूता, फटा चप्पल, फटा कपड़ा, फेंका हुआ गंदा कचड़ा, ये प्लास्टिक, जरी, पेड़ और जो नई यूज है वो सबको बोरी में, डब्बा में, बाल्टी में भर के आगे पीछे लेके ऐसा करके वो पगली चल रही है, हमें दिख रहा है और हम उसके ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन हम जो पागलपन है वो तो उसका बाहर पागलपन है, उसको दया करना चाहिए, उसका पागलपन मैनिफेस्ट बाहर आ गया। और तुम लोगों का पागलपन क्या है, एक बार मोबाइल खोल दो तो देख लो, फिर कोई अच्छा कैप्शन छोड़ दिया, रख दिया, और कैप्शन कभी उल्ट के देखना नहीं है, मतलब वो वीडियो, वो फोटो, वो टॉक्स, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखना है, लेकिन तुम वो बोरी में भर के लेके घूम रहे हो, ठीक है। 90% आदमी का मोबाइल पे 90% डाटा कलेक्शन अननेसेसरी होता है, और उनको लगता है कि बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिलीट मत करो, डिलीट मत करो। भाई क्या हो गया, स्वर्ग पे लेके जाओगे, संपत्ति है तेरा, प्रॉपर्टी है क्या। और अगर वही मोबाइल कहीं गिर जाए, टूट जाए, जल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर राम राम गोपाल, फिर कुछ नया कचरा, प्लास्टिक, जरी, जूटा, पुटा सब लाके फिर रखेंगे, तो वो उस प्रकार का पागल है, हम इस प्रकार का पागल। तुम अपना घर पे भी जाके ढूंढ के देख लो, 90% चीज निकालो कि तुम्हारा कितना यूज में होता है। तो घर को चिड़ियाखाना, ऑडिटोरियम, वो क्या बोलते हैं जो स्टोर करके रखते हैं, जो लोग देखने जाते हैं उसको, म्यूजियम, घर म्यूजियम, बिना मतलब जिस जिस महाप्रभु को पूजा नहीं करते उसी को ला के रखे रहते, ठीक है। वो चिड़िया, भूत, प्रेत, बंगला और खिलौना और क्या क्या नॉन यूजेबल सामान। अब उन सामान जब तुम घर में रखते हो और वो कहीं टूटे फूटे या जो आवश्यक नहीं है, हर ऑब्जेक्ट तुम्हें तो नेगेटिव एलिमेंट या पॉजिटिव तो दे रहे हैं, और आजकल तो मैक्सिमम प्लास्टिक का चीज़ है या फाइबर का, कार्बन्स का, इस प्रकार का चीज़ है, तो उससे भी तो नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी एनर्जी हो रहा है, अफेक्टेड हो रहे हैं। अब अगर किसी कहा जाए लेस लगेज मोर कंफर्ट, जिंदगी में कम में जीना सीखो, फिर तो तुमको लोग पागल हो गया, ये दुनिया के साथ चलने नहीं जानता है। यहाँ तो घर में भर दो कचड़ा, जो अननेसेसरी सामान ला के सब रख दो, घर में 3-3, 4-4 टीवी लाओ, देखो मत देखो, 4-5 मोबाइल पकड़ो, बात तो एक में भी नहीं हो रहा है, किसके पास टाइम है तुम्हारे पास बिना फालतू का कॉल करेगा। अच्छा आगे जब एक इंग्लैंड लेटर था तो अलग था, अभी आदमी के पास 3-3 फोन फ्री में कॉल, आदमी के पास टाइम नहीं है, अपने सोच पे बैठा हुआ है,
इसलिए ये चिंतन करना अपने के लिए, अपने पे टाइम दो, अपने को ध्यान कम से कम हर दिन एक घंटा, योग निद्रा कम से कम एक घंटा, जनरल आदमी के लिए, साधकों के लिए तो अलग है, जनरल आदमी के लिए जाप और फिजिकल फिटनेस एट एनी कॉस्ट। आज के डेट में मैं भी सुबह 4 बजे उठ के पुशअप सिटअप आसन प्राणायाम ध्यान कभी नहीं छोड़ा। तो अपने लिए टाइम, इस क्षेत्र पे स्वार्थी बनो, अपने को मजबूत करो, अपना अकाउंट बढ़ाओ, अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कैसा करना है, अपने शारीरिक स्थिति कैसे मजबूत करना है, अपने मानसिक स्थिति कैसे मजबूत करना है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राणायाम कैसे करना है, थोड़ा सा जाप कैसे ज़्यादा करना है, थोड़ा सा हवन ज़्यादा कैसे करना है, अपने लिए करना है। और जो प्रॉब्लम अभी एराइज हो रहा है घर पे, उसके लिए कोई हवन कर सकते हैं क्या, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा माला जप कर सकते हैं क्या, उस प्रॉब्लम का सॉल्व के लिए कोई अनुष्ठान रुद्राभिषेक कोई चंडी पाठ ऐसे करा सकते हैं क्या, और अगर कोई समस्या में है उसको भगाने के लिए या कम्प्लीटली भगाने के लिए ऐसा कोई प्रयोग किया जा सकता है क्या, उस पर फोकस करो। बल बात में वो क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया किसके बात पे फोकस करो। जैसे आप अभी बोले तो वही, फिर मम्मी भी आज थोड़ा तो बस उससे भी फिर लेके